ene chetan re mena ko dikkat kiya hello good morning ladies and gentlemen welcome to my channel on youtube sv vlogs ab dekh rahe hain mausam kafi सुहाना हो गया काले काले बादल छाए हुए आई थिंक बारिश हो सकती है कल छिटपुट बारिश हुई तो काफ़ी राहत मिली गर्मी से देख सकते हैं बादल छाए हुए ये रहा आपको दिख रहा है बादल छाए हुए तो आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मौसम काफ़ी सुहाना हो गया और मैं तो सोच रहा हूँ अगर ये गर्मी मुझे बर्दाश्त नहीं होती ना ऐसे ठंडे वादी में मैं जाऊं और अपनी छुट्टी मना के आऊँ मतलब कहने का मेरा मतलब है कुल्लू मनाली प्लान बन सकता है जाएंगे यार लेकिन आज नहीं आज तो हम कहीं और जा रहे हैं सोनवा ओयल करम वादियों में तो हमने क्या क्या तैयारी की मैं आपको दिखाऊंगा और पूरी तैयारी के साथ जाएंगे तो ये दोनों गाड़ियाँ जाएँगी तो उससे पहले इसे वॉश करेंगे और जंगल झाड़ में छोटी छोटी गाड़ियाँ ठीक है फंसती हैं लटकती हैं मेरा छाया हुआ है करंट नहीं क्या यार वॉश हो चुकी है दोनों कार बस नहाने की देरी है तो आप सबसे पहले कहीं भी टूर जाते हो ऑन द वे आप क्या देखते हो कार्स में मैं ये देखता हूँ कि गाड़ी पूरी तरह परफेक्ट है या नहीं पूरी तरह से ठीक है या नहीं तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि उसका कूलेंट सही क्वांटिटी में है या नहीं दूसरी चीज़ आपकी इंजन ऑयल वो सही है या नहीं तीसरी चीज़ अब ऐसे जंगल झाड़ के बीच में जा रहे हो तो आपकी गाड़ी के टायर कैसे हैं उसके प्रेशर कितना है तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ती है तो आई थिंक आपको ये चेक करनी चाहिए कहीं भी आप कहीं लंबी टूर आप जाते हो लंबा टूर आप निकलते हो प्लान करते हो तो आपको ये तीन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये सारी चीज़ें सही या नहीं तो आई थिंक सफ़र करने का जो मज़ा होता है अगर बीच में कहीं आपकी गाड़ी गड़बड़ा गई है कहीं कुछ हो गया घूमने का जो मज़ा होता है वो ख़राब हो जाता है तो ये इन तीन चीज़ों का मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ तो दिमाग को थोड़ा सा शांत रखिएगा भाई शांत रखना बहुत ज़रूरी है और कोशिश करिएगा कि आप अकेले ना जाएं ऐसे जाल जंगल में दो या तीन पर्सन को लेकर जाएं तो इससे क्या होता है कि आपको हिम्मत मिलती है कहीं कुछ आइडियाज़ मिलती हैं कुछ बीच गड़बड़ हो जाती है तो भगवान करके ऐसा कुछ ना हो ध्यान तम कितना
हुआ गांव में। आराम फरमा रहे हैं, पानी प्यास लग गई एने चितान रहे ना को दिक्कत ही है रास्ता खो गए। सुनुआ के इलाकों में ब्लॉग बना रहे हैं। सुनुआ इलाका देख सकते हैं, जंगल ही जंगल, चारों तरफ जंगल है। ब्लॉक्स भाई ब्लॉक्स जा रहे हैं भाई टाटा बाय बाय। हाय गाइस, तो हम आ चुके हैं सुमा से। सुमा हम घूम के आए हैं गोटम्बा गांव, जो अननोन प्लेस है। गांव में ऐसी चीज़ें भी हैं। रोड का तो आप कह सकते हैं कि रोड तो बिल्कुल है ही नहीं, रोड का तो एकदम सत्यानाश है। अगर आप छोटी मोटी गाड़ी लेके जाएंगे वहाँ पे, तो आपको गाड़ियाँ या तो आपके दो टुकड़े में बट के आएंगी, या तो आपकी गाड़ी बचेगी नहीं। तो ऐसे ऐसे रोड पे, ऐसे गांव भी हम लोग मैंने वहाँ पे महसूस किया, मैंने वहाँ देखा ऐसे गांव भी हैं कि वहाँ पे बिजली तक नहीं है, बिजली नहीं है, टावर नहीं है, यहाँ पर सड़क नहीं है, पानी नहीं है। महसूस किया क्योंकि मैं एक्चुअली मैं एक सरकारी डिपार्टमेंट में हूँ। यहाँ पे एहसास होता है कि लोगों को कितनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, कितनी तकलीफ़ें मिल रही हैं। जब इतनी सरकारी डिपार्टमेंट, इतना फंड आता है, इतना सब कुछ आने के बावजूद आज ऐसे गाँव भी हैं, लोगों को बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही। क्यों होता है? अच्छा नहीं लगता। मैं एक तरह से कहूँ तो मैं एक सोशल वर्कर नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है सोशल वर्क करने की, बट मैं एक माध्यम हूँ, एक मैसेंजर। आप कह सकते उठो यार, उठो,
अपने हक के लिए, अपने जरूरत के चीज़ के लिए, अपने निजी लाइफ के लिए तो लड़ सकते हो यार, हर कोई आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता। खुद के लिए कभी कभी आपको लड़ना पड़ता है, खुद के लिए आपको उठना पड़ता है। मेरे वीडियो से मैसेज अगर लोगों के पास पहुंच रहा है तो मेरे लिए गर्व की बात है कि हाँ, कि मेरे वीडियोस के थ्रू लोगों के पास बात पहुंच रही है। थोड़ा सा हम लोग अब कह सकते हैं कि शॉर्ट जर्नी थी, घूमे, अच्छा लगा, मन को सुकून मिला, बस इतना ही कहना है यार, और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ बोल दिया तो आई एम सॉरी। लोगों को लगता भी होगा कि मैं बहुत गलत हूँ या गलत डिसाइड करता हूँ, सही हूँ या गलत हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सारी चीज़ें मैं प्रूफ नहीं कर सकता, हर चीज़ मैं ये बता नहीं सकता, सो दैट। और ये मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ये इंस्टॉल करने के बारे में आपको दिखाया था, लेकिन अभी तक मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, अभी तक स्टडी चल रही है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट फ्रेंड्स को मैंने बुलाया है कि मैं ये इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखाऊं कि ये काम कैसे करती है, क्योंकि ये काम की चीज़ है, आप लोगों को काम आ सकती है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इसे ले सकते हो और इंस्टॉल करवा सकते हो। अगर नहीं करवा सकते हो तो मुझे कॉन्टेक्ट करना, मैं इंस्टॉल कर दूँगा। सो मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, अगर आपको इंस्टॉल करनी होगी तो मुझे कॉन्टैक्ट करना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दूंगा, फेसबुक आईडी भी दे दूंगा, और आईडी में मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना और मैं इंस्टॉल कर दूंगा। और ये नेक्स्ट ब्लॉग में मैं इसे इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखाऊँ कि ये कैसे काम करती है, नहीं करती है। तो कुछ एक्सपर्ट फ्रेंड्स हैं जो मैंने, बस आज इतना ही, और नेक्स्ट ब्लॉग में हम नए नए कंटेंट के साथ मिलेंगे, आम जिंदगियों से जुड़ी चीज़ों से आप लोगों को रूबरू कराएंगे, आप लोगों से बातें करेंगे। गुड बाय, एंड नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग मिलेंगे।